नमस्ते, एसएस राजामौली की फिल्म आरआर की नॉन स्टॉप कमाई जारी है। फिल्म की कमाई का आठवां दिन और मूवी का हिंदी वर्जन 150 करोड़ कमाने की ओर बढ़ गया है। फिल्म का आठ दिनों में कुल कलेक्शन 146.9 करोड़ रुपए हो गया है। आरआर शनिवार को 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। आरआर की दमदार कमाई का पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जॉन अब्राहम की अटैक और द कश्मीर फाइल से टक्कर मिल रही है, लेकिन मजा लगी ये फिल्में आरआर की कमाई में सेंध लगा सके। उल्टा आरआर ने इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में गिरावट दर्ज करवाई है। आरआर मूवी लवर्स की पहली पसंद बनी हुई है। सेकेंड वीकेंड में फिल्म की कमाई में ग्रोथ की उम्मीद है। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 13.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई को देख लगता है कि आरआर की आंधी अभी थमेगी नहीं। वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सातवें दिन मूवी ने 709.36 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी शुक्रवार को आरआर ने 41.53 करोड़ रुपए कमाए। इसका मतलब आठ दिन में आरआर ने वर्ल्ड वाइड 750.79 करोड़ रुपए कमाए। आरआर की आंधी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी चल रही है कि रिलीज हुई नहीं कि फिल्में इसके आगे टिक ही नहीं पा रही। जूनियर एनटीआर और रामचरण की इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है। एमएस राजामौली ने उन्हें उमदा डायरेक्शन से फिर साबित कर दिया कि क्यों वे इंडियन सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर में से एक है। आरआर आने वाले दिनों में कमाई के और भी कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।